हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ये टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको लाइफ की कुछ ऐसी बात बताने वाली हूँ जो हर कोई चाहता है, एंड दैट इज सक्सेस। हर कोई चाहता है वो सक्सेसफुल बने, लेकिन उसके लिए जो जो हमें इनपुट्स डालने होते हैं वो कोई नहीं डालता लेकिन उसके लिए जो जो इनपुट्स हमें डालने होते हैं वो कोई नहीं डालता। हर इंसान यही चाहता है कि उसे बिना कुछ किए, बिना कुछ हार्डवर्क किए बस मिल जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। लाइफ में कुछ पाने के लिए हमें बहुत कुछ खोना पड़ता है, अपना टाइम देना पड़ता है, और लाइफ में कई कई मोड ऐसे भी आते हैं जहाँ पर हमें इंसल्ट भी सहनी पड़ती है। वहाँ पर अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को थोड़ा सा साइड रख के, अपने ईगो को तो पूरी तरीके से साइड रख के, हाँ माना कि सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी होती है, हमें हमेशा हर हालत में अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी होती है, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो को दोनों को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये बहुत जरूरी होता है कि जब भी हम कुछ ऐसा काम कर रहे हों जो हमारे करियर से रिलेटेड है, हमारे प्रोफेशन से रिलेटेड है, तो वहाँ पर हम इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें कि हम अपने ईगो को हर्ट ना करें। कोई भी बात हो उसे दिल पर पिंच करके अपना काम ना छोड़ दें। कई बार हमारी लाइफ में इसी तरीके से होता है कि हमारे कलीग हो या कोई भी हो, किसी से कुछ भी खिटमिट हो जाती है, चाहे वो हमारे सीनियर्स ही क्यों ना हो, तो हमें बहुत बुरा लगता है। वो चीज हमें इतनी हर्ट होती है कि हमारे दिमाग में एक बार को आ जाती है कि यार छोड़ो इस चीज को, कुछ और कर लेते हैं। लेकिन अगर हम ध्यान दें तो वहाँ पर कोई एक पर्सन ऐसा भी जरूर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, जिसको देख करके हम इंस्पिरेट होते हैं, हम मोटिवेट होते हैं। जरूरत है तो बस उसी पॉजिटिव वाइब को ढूंढने की। नेगेटिविटी हमें हर जगह मिल जाएगी, इधर देखेंगे उधर देखेंगे नेगेटिव लोग हर जगह मिलेंगे, हर मोड़ पर ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें ये बात बताने को तैयार रहेंगे कि तुम नहीं कर सकते। वही एक ना एक वो इंसान जरूर होगा जो आपको बताएगा कि तुम कर सकते हो, बस जरूरत है तो थोड़े से पेशेंस की, कंसिस्टेंसी की, कि इसी तरीके से अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाते रहोगे, धीरे धीरे इस एफर्ट को और ज्यादा बढ़ाते रहोगे, तो एक दिन वो भी आएगा जहाँ पर आपका हार्ड वर्क आपको पे करेगा। बिकॉज हार्ड वर्क नेवर एंड एवर डिसअपॉइंट्स। बस हमारा काम है मेहनत करते रहना, जो भी दिक्कतें आती हैं उसको फेस करते रहना, एंड कभी भी गिव अप ना करना। दोस्तों, अगर आप भी मेरी बातों से सहमत हैं, इनमें से कोई भी बात आपसे रिलेटेड है या आप इन बातों को मानते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज जरूर बताते रहिए, और ये भी बताते रहिए कि आप हमसे किस तरह की वीडियोस एक्सपेक्ट करते हैं, क्या चाहते हैं आप कि हम किस तरह की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहें, हमें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताते रहें। और ऐसे ही और वीडियोस के लिए ये टीवी को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।